इंदौर। अच्छा, जो देवी माता बनती वही हो? तो काय में देवी माता बनती तो सोनी टीवी पे फिल्मों में आती, जय सिया राम। साथ में कौन आया है? जी ठीक। साधु जी, ओ बालाजी, बोलिए क्या समाधान है? हाँ बार बार अवरोध भी बन जाता है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, अपच भी होने लगती, सिर में भी पीड़ा बहुत होती है, चिड़चिड़ापन भी बहुत बनता है, और जब भी सीरियल के लिए जाते हैं तब ही इस समय पे ही दिक्कत होती है, और उस वक्त मन खिन्न हो जाता है, फिर काम में मन नहीं लगता, पिता के पीछे शत्रु लगे हुए हैं, अधिकारी शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और वर्तमान में उनका रुपया भी रोक लिया गया है, पैसा उनको प्राप्त हो जाएगा, आपको कवच मिल जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, वह झटका लगना बंद हो जाएंगे, बाधा हट जाएगी, जो आपका शक है वो सत्य है, टोटका विद्या का प्रयोग किया गया है, आगे प्रभावकारी नहीं होगा, आशीर्वाद है। हम बहन का देख लेते, एक मिनट का समय दो हमें। जय सियाराम। घुटनों में पीड़ा भी मैया को बन रही है, माता जी के उठ बैठ भी नहीं पा रही हैं, उनकी भी अर्जी आई। बहन को संतान वाली अर्जी है, कोख में बंधन है, कोख बंधन स्वप्न गंदे आते हैं बहुत ज्यादा। आई हैं बहन? कहाँ है? आप वहीं खड़ी हो जाएं, आने की आवश्यकता नहीं है, हाँ या ना भर में आपको जवाब देना है। आपकी अर्जी लग चुकी है, आपकी अर्जी में आया कोख का बंधन, पेट में पीड़ा, गंदे स्वप्न आते हैं, भयावह दिखाई देता है, डर असहनी बना रहता है, बहुत जगहों पर आप तंत्र मंत्र से संबंधित भी होवाई हैं, परिणाम उल्टा निकला है, उसमें धन भी आपका खर्च हुआ है। हमारे पास जो सन्यासी बाबा और बालाजी ने आज्ञा दी है, आप नियम का पालन प्रारंभ करो, बागेश्वर बालाजी की कृपा से 2027 के पूर्व में घर पर किलकारियां गूंजेगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह? ये बिल्कुल जीवन भर बालाजी के रहे, खुश रहो। तो कोई पाठ आता है? वैष्णो माता कैसे बनती? धरती माता, अच्छा बहुत अच्छा, भारत माता की। चलो खुश रहो भाई। अगला नंबर ठीक हो जाए। हाँ माँ ठीक हो जाए। शाही सुमन नगर, मुखर्जी नगर के पीछे। रामदत्त का भट्टा बोलते हैं, रामदत्त का भट्टा गली नंबर 1। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। दरबार अभी लगा रहेगा,
अभी प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाया जाएगा, आज्ञा लग गई है। और उसके बाद में कथा क्रम होगा। कथा का पागल कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। कथा के पागल हो तो कथा सुनकर के ही जाना है, कथा भी होगी। बताओ मताई क्या जानना है तुमको, पूछो। हाँ बच्चों के बारे में जानना। हाँ और पूछो। हनुमान जी तुम्हारे सपने में आते? अम्मा लिया हमारे सपने में नहीं आते वो, हाँ, हमारे नहीं आते, तुम्हारे आते हैं? अच्छा तो क्या जानना है सपने में? तीन बातें हैं तुम्हारी। घर में तनाव नहीं रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी, बच्चे की शादी की अर्जी लेकर के आई हुई है, विवाह की, बड़े बच्चे की अर्जी लेकर आई है, शादी हो जाएगी, दुल्हन बढ़िया मिलेगी, वह हनुमान जी की ही कृपा है, स्वप्न से परेशान ना हो, वह आशीर्वाद है। बराबर तो कहीं बात चल रही, ग्वालियर में चल रही, वहां तो अभी अवरोध बनेगा पर हो जाए। हो बालाजी की कृपा है मां, ये जो तुम्हें स्वप्न दिख रहा ना ये बालाजी की कृपा है, वो गोद में चिपक जाते हैं। तुम्हारी भक्ति बहुत तेज है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, इसलिए तो तुम्हारी अर्जी लगी लाखों लोगों में, उनकी बहुत कृपा है, भजन करते रहो और तुम बागेश्वर धाम आइयो, जाओ बढ़िया दुल्हन मिलेगी, आशीर्वाद है बस। साधु जी बालाजी, ले ओ मां पर्चा ले लो।